हेलो दोस्तों, चलिए आज हम स्क्वायर थालपोस बनाएंगे यानी टेबल कवर का डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बनाने के लिए देखिए, हमने दो कलर का उलन लिया हुआ है। उलन मेरा 4 प्लाई का है जिससे हम बनाएंगे, और क्रोशिया मेरा इसमें 2 नंबर का है, 1.5 mm का। तो डिजाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो बनाने के लिए पहले हम ऐसे धाई को ऐसे नॉट लगाएंगे इसमें, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन करेंगे। फर्स्ट उनमें लेके हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हम चेन करेंगे डबल फंदे। सेम जगह पे ही हम जो राउंड किए इसी में हमें बनाना है ऐसे ट्रिबल क्रोशिया, 1, 2, 3। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन करेंगे, फिर डबल फंदे लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर 6 चेन किया है, 4 चेन ट्रिबल क्रोशिया के लिए, 2 चेन एक्स्ट्रा किए हैं। जैसे यहाँ पर 2 चेन किए हैं, डबल फंदे लेके फिर से बनाएंगे हम ऐसे ट्रिबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर डबल फंदे, फिर से हम ट्रिबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर डबल फंदे, फिर से ट्रिबल क्रोशिया। देखिए तो ऐसे 2 चेन ट्रिबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया पूरा, इसमें हम 12 बनाए हैं ये ट्रिबल क्रोशिया जो बनाए हैं। अब यहाँ फर्स्ट वन में हम 1, 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले पे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, और फिर इस चेन वाले में ऐसे चले जाएंगे। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 फिर 4 चेन कर लेंगे डबल फंदे। सेम जगह पे हम ऐसे 1, 2 2 टाइम क्रोशिया चलाएंगे, ये ऊपर रखेंगे, फिर डबल फंदे, फिर हम 1, 2 2 टाइम क्रोशिया चलाएंगे। अब ये पूरा ऊपर है, 3 हो गया ऊपर, तीनों को एक में से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन डबल फंदे। अब ये नेक्स्ट वाला चेन है, इसमें बनाएंगे सेम चीज़ें। देखिए अब ये ऊपर रहेगा, डबल फंदे, फिर सेम चीज़ें ऐसे 2 टाइम ही क्रोशिया चलाना है हमें, डबल फंदे, फिर से ऐसे, और फिर 3 हो गया, और ये इधर वाला चेन में का भी 1 हो गया। पूरी को एक में से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे। उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन डबल फंदे, फिर नेक्स्ट में हम बनाएंगे ऐसे ही सेम चीज़ें, 2, 1, 3 पूरे को एक में से निकाल के बांधेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 फिर 5 चेन, फिर डबल फंदे, फिर नेक्स्ट में। तो ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया पूरा 12 के ऊपर, ऐसे 12 ये हमने बना लिया है पूरा, 12 के ऊपर 12 बना लिया है। फर्स्ट उनमें लेके हम जॉइंट कर लेंगे ऐसे, और इसे हम बांध के कट करके निकाल लेंगे। धागे को खींच के हम इसे बैक साइड लगा लेंगे। देखिए अब इसके बाद से हम दूसरा कलर लेंगे, ये चेन में ऐसे बांध लेंगे पहले, उसके बाद 1, 2, 3 3 चेन फंदे लेंगे। इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 1 चेन, 1 ये 2 हो गया, और 1 3 और 4 इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद 1, 2, 3 3 चेन कर लेंगे यहाँ पर। सेम जगह पर फिर से हम 1, 2, 3, 4 फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन करेंगे, और जो ये चेन है इस नेक्स्ट में यहाँ पर ऐसे जॉइंट करेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन फिर इसमें हम जॉइंट कर लेंगे।
फिर एक दो तीन चार पाँच, 5 चेन, और फिर यहाँ पर हम बनाएंगे। देखिए फिर यहाँ पर हम ऐसे डबल क्रोशे फिर बनाएंगे, जैसे यहाँ पर बनाए, देखिए एक जगह बनाए, ये 2 जगह नहीं बनाए हैं, फिर तीसरी जगह पर बना रहे हैं ऐसे, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशे बना लेंगे, फिर 1 2 3, 3 चेन, फिर सेम चीज़ें, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन, फिर ये पहले वाला चेन में ऐसे जॉइंट करेंगे, फिर 1 2 3 4 5, फिर दूसरा वाला ये चेन है इसमें जॉइंट करेंगे, फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन, फिर तीसरे वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर ऐसे 4 डबल क्रोशिया बना के 3 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, ऐसे बनाते हुए फिर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया, फिर 5 चेन कर ली, फिर यहाँ फर्स्ट वन में लेके जॉइंट करेंगे, यहाँ पर सेम 1 2 3, 3 चेन फंदे लेंगे, और यहाँ पर जितना हम ये बनाए हैं 4 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमें 4 जगह 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 1 2 3, और एक यहाँ पर बना लेंगे 4, 4 डबल क्रोशिया हो गया। फंदे लेंगे, ये 3 चेन का है, इसमें पहले हम ऐसे 1 2 3 4, फिर से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, यानी 4 डबल क्रोशिया, 4 के ऊपर हम 4 बना लिए, और 4 यहाँ पर भी बना लिए चेन के अंदर, फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन, फिर सेम जगह पे ही हम फिर से हम 1 2 3 4, फिर हम 4 बना लिए, देखिए 4 इस साइड 4 इस साइड, बीच में 5 चेन कर लिए हैं, फंदे लेंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम फिर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन चार, फिर 4 के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया फिर बना लिए ऐसे। अब इसके बाद हम फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 चेन करेंगे। अब इसमें देखिए ये पहला चेन है, इसमें ज्वाइंट नहीं करेंगे, ये बीच वाला चेन है, जो 3 चेन है, 3 में बीच वाला चेन है, इसमें ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे 5 चेन करके, फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन, फंदे लेंगे, और फिर 4 के ऊपर पहले 4 बना लेंगे हम, देखिए 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, पहले फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर 4 बना लेंगे, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया फिर बना लेंगे, फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन, फिर सेम जगह पर ही फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, और उसके बाद 5 चेन करके इसके मिडिल में हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पर जैसे ये ज्वाइंट किए, और उसके बाद फिर इस पर बनाएंगे, तो सेम ऐसे बनेगा, बना के हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया हुआ है पूरा, फर्स्ट वन में लेके ज्वाइंट करके हमने कट कर लिया है, अब इसके बाद से हम बनाएंगे और ज्वाइंट करेंगे इसमें। तो इसके लिए हमने ये बनाया 4 के ऊपर 4, और ये 3 चेन का जो है इसमें 4 डबल क्रोशिया बना लिया है, फिर 2 चेन करेंगे, और ये जो है ये 5 चेन का, यहाँ पर हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे, फिर 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे, और ये 3 चेन वाली जगह पे हम 1 2 3 4, 4 ऐसे हम डबल क्रोशिया फिर बना लेंगे, फिर ये 4 बनाए हैं, इसके ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया फिर बना लेना है,
दो, तीन, चार, फोर के ऊपर फिर फोर डबल क्रोशिया हम बना लेंगे ऐसे, देखिए। अब उसके बाद से हम यहाँ पर एक दो दो चेन करेंगे, और ये चेन है जो, देखिए ये वाला चेन है, इसमें हम लेके ऐसे जॉइंट करेंगे, देखिए। उसके बाद फिर एक दो दो चेन, और फिर ये मिडिल का है जो, ये तीन चेन का है, इसके मिडिल में जैसे जॉइंट किए हैं वैसे ही यहाँ पर दो चेन के करके यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। फिर एक दो चेन, और फिर इसमें ये इसके बाद वाला ये चेन है, इसमें जॉइंट करेंगे ऐसे, फिर दो चेन, फंदे लेंगे, फिर ये फोर के ऊपर हम फोर बनाएंगे डबल क्रोशिया, देखिए एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया के ऊपर चार डबल क्रोशिया। फिर ये थ्री चेन का है, इसमें हम पहले एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर टू चेन। अब उसके बाद से हम इधर ज्वाइंट कर चुके हैं, जैसे ये कॉर्नर से ये कॉर्नर ज्वाइंट किए, सेम ऐसे ही ये भी ज्वाइंट करेंगे, ये कॉर्नर में हम ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ पर ऐसे, टू चेन करके यहाँ पर हम ज्वाइंट कर लेंगे, फिर टू चेन करेंगे। फिर सेम चीज़ें हमें बनाना है, इसमें हम एक बस पहले चार डबल क्रोशिया बना लें चेन के बीच में ऐसे, दो तीन चार, और फिर ये फोर डबल क्रोशिया के ऊपर फोर डबल क्रोशिया, फिर फाइव चेन करके इसमें, और फिर फाइव चेन करके इधर बनाएंगे, तो सेम ऐसा बनेगा। बना कंप्लीट करते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर दो जॉइंट कर लिया है, सेम ऐसे ही अब जॉइंट होगा, इधर से स्टार्ट करेंगे और ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो अपने हिसाब से जितना ऐसे चाहिए हम लोग जॉइंट कर सकते हैं, तो हमारा जॉइंट करके फिर दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने ये तीसरा टिक्की भी इसमें जॉइंट कर लिया, अब आप लोग अपने हिसाब से जॉइंट करिएगा, जितना लंबा चाहें, जो हिसाब से चाहिए वैसा। अब हम इस साइड जॉइंट करेंगे, तो इधर जॉइंट करने के लिए देखिए इस साइड जॉइंट कर रहे थे तो यहाँ से जॉइंट करके ऐसे जॉइंट कर रहे थे, अब इस साइड जॉइंट करेंगे तो यहाँ से जॉइंट करके ऐसे जॉइंट करेंगे हम। तो इसके लिए देखिए हमने ये बनाया है, और यहाँ पर हमने फोर डबल क्रोशिया बना लिया है चेन के बीच में, दो चेन करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे लेके, और यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे, फिर दो चेन, और फिर सेम जगह पे ही फिर हम फोर डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन चार, फिर से बना लिए इसमें हम चार डबल क्रोशिया, फिर फंदे लेंगे, ये चार है, चार के ऊपर हम चार बनाएंगे, फिर से एक दो तीन एक चार, देखिए हो गया चार के ऊपर फिर चार। अब यहाँ पर फिर एक दो दो चेन करेंगे, अब ये बना है जो, दो हमने ये बनाया हुआ है फाइव फाइव चेन का, इसमें ज्वाइंट करना है, तो पहला हम यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे, और फिर दो चेन करके, और इसमें फिर ये पहला छोड़ देंगे, ये तीन है तो ये बीच वाले पे हम ज्वाइंट करेंगे ऐसे, फिर दो चेन, और फिर इसमें ये दूसरा है इधर का, इसमें हम ज्वाइंट कर लेंगे, फिर दो चेन, और उसके बाद फंदे लेके फिर ये चार के ऊपर हम बना लेंगे चार डबल क्रोशिया पहले, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया बना लेंगे, फंदे लेंगे, फिर ये जो चेन है इसमें हम पहले चार डबल क्रोशिया फिर बना ले रहे हैं, फोर, एक एक दो तीन चार, यानी फोर डबल क्रोशिया यहाँ बना लिए हम, देखिए। अब यहाँ पर फिर हम ऐसे दो चेन करेंगे, और जो ये दोनों साइड से जॉइंट है इसमें हमें जॉइंट करना है ऐसे लेके, इसके मिडिल में हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर दो चेन, फंदे, फिर यहाँ पर सेम जगह पे ही फोर डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे, एक दो
तीन, चार। देखिए फिर फंदे लेंगे, फिर ये चार के ऊपर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर फाइव चेन करके इसमें मिडिल में ज्वाइंट करेंगे, फिर फाइव चेन करके इस पर बनाएंगे। तो ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना लिया इधर ऐसे। अब इसके बाद हम इस साइड ज्वाइंट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे बनेगा। तो इसके लिए देखिए हमने फिर बनाया है ये, और इसे लेके हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे पहले। देखिए फिर दो चेन, फंदे लेंगे सेम जगह पर, फिर फोर डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, फोर डबल क्रोशिया, और उसके बाद फिर फोर के ऊपर फोर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, एक दो तीन चार। देखिए फिर ऐसा बन गया, फिर दो चेन, और फिर इसके ये दो बना है इसमें हमें ज्वाइंट करना है। तो पहले वाले में हम पहले ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे, देखिए फिर दो चेन, और इसके फिर मिडिल में ज्वाइंट करेंगे, ये फर्स्ट और इधर में नहीं ज्वाइंट करेंगे, मिडिल में हमें ज्वाइंट करना है ऐसे, फिर दो चेन, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे लेके ऐसे, फिर एक दो चेन, फंदे लेंगे और फिर इसके ऊपर बनाएंगे, फोर के ऊपर पहले फोर बना लेंगे डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया फिर बना लिए, फिर इसके बीच में चार डबल क्रोशिया फिर बना लेंगे, फोर डबल क्रोशिया फिर बना लेंगे, एक दो तीन चार, फिर दो चेन, और उसके बाद से ये तीन जॉइंट है, ये तीनों के बीच में हमें जॉइंट करना है। तो ऐसे लेके ये वाला इसमें हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर दो चेन, फंदे लेंगे, फिर सेम चीज़ है यहाँ पर, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया, उसके बाद फंदे लेंगे, फिर ये चार के ऊपर चार फिर बना लेंगे डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, फिर फोर के ऊपर फोर डबल क्रोशिया बना लिए, फिर टू चेन करेंगे, और फिर ये दोनों है इधर का इसमें जॉइंट होगा ये दो में, तो पहले यहाँ पे जॉइंट होगा, तो इसलिए कैसे नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जॉइंट करेंगे ऐसे, फिर दो चेन, और इधर का ये बीच वाले पे फिर दो चेन, फिर इस पे ये दूसरा है चेन, इस पे ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे दूसरे साइड, फिर दो चेन, और फिर फंदे लेके फोर के ऊपर फोर पहले बना लेंगे हम। देखिए एक दो तीन, एक चार, ऐसे हो गया। अब उसके बाद से फिर ये इस चेन में हम फोर पहले बना लेंगे डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया बना दिए, फिर दो चेन कर लेंगे, और फिर ये दोनों जॉइंट है इसके मिडिल में हमें जॉइंट करना है। तो ऐसे लेके इसके बीच में हम ऐसे जॉइंट कर देंगे यहाँ पर, फिर दो चेन, फिर इसमें फोर डबल क्रोशिया, दो तीन चार, और उसके बाद फोर के ऊपर फोर बनाएंगे, फिर फाइव चेन करके इसके मिडिल में, फिर फाइव चेन करके इधर बना लेंगे। तो कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो देखिए जैसे ये दोनों जॉइंट कर लिए हम, सेम ऐसे ही इधर जॉइंट होगा, फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे
और ऐसे ज्वाइंट करेंगे। और इस साइड ज्वाइंट करना होगा तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ला के ऐसे ख़त्म करेंगे, फिर उसके नीचे सेम ऐसा बनेगा। तो अपने हिसाब से जितना बड़ा चाहे हम लोग बना सकते हैं, जो भी चीज़ का साइज़ का चाहिए बना सकते हैं, टीवी कवर, टेबल कवर, सोफ़ा कवर, ब्लैंकेट या तो कुशन कवर, जो भी चाहे इस डिजाइन का बना सकते हैं। तो देखिए हमने ऐसे 3-3 का करके 90 GHz में ज्वाइंट किया है, पूरा स्क्वायर में हमने बनाया हुआ है। आप लोग चाहे तो रेक्टेंगल बना सकते हैं और ऐसे लंबाई में ज्वाइंट करके, और आप लोग जितना बड़ा चाहे ऐसा बना सकते हैं। अब इसके आगे हम झालर लगाएंगे। तो झालर बनाने के लिए हम ये कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे बांध लेंगे और बांधने के बाद से 1 2 3 4 5 5 चेन, और इसमें 1 2 3 4 4 छोड़ के यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, और उसके बाद ये चेन है इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर नेक्स्ट वाला चेन है इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, और फिर ये 4 छोड़ के यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे ऐसे, और फिर हम ऐसे यहाँ पर ये कंप्लीट ऐसे ज्वाइंट करने के बाद से फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर ये दोनों ज्वाइंट है इसके बीच में ऐसे ज्वाइंट करेंगे। तो हम 5 5 चेन करके ज्वाइंट करें, आप लोग कम लगे तो 7 7 चेन करके भी ज्वाइंट कर सकते हैं। ऐसे हम स्क्वायर पूरा ज्वाइंट करते आ रहे हैं। तो देखिए हमने ऐसे बनाते हुए कंप्लीट किया, और फिर फर्स्ट वन में ले के ज्वाइंट करेंगे जहाँ से बनाना स्टार्ट किए थे हम। इसके बाद से हम ऐसे जो ये पहले बनाए हैं उसमें फ्लैट स्टिच मिडिल में आ जाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर नेक्स्ट वाले चेन में फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में। ऐसे हम फिर ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट में बनाते हुए फिर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट किया, और फर्स्ट वन में ज्वाइंट करके हम इसके मिडिल में आ गए हैं। देखिए अब यहाँ से हम 1 2 3 4 5 5 चेन करके हम पफ वाला फ्लावर बनाएंगे। आप लोग को चाहिए तो इसमें लटकन लगा सकते हैं, झालर कट करके लगा सकते हैं। 3 4 1 5 फाइव टाइम हम धागे को ऐसे खींचेंगे, इसके नीचे से निकाल के बांध लेंगे, चेन को ऐसे क्रोशे पर रख के ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर नेक्स्ट वाले चेन में हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर सेम चीज़ें 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर धागे को खींचेंगे, फिर सेम चीज़ें बनाएंगे ऐसे 1 1 2 3 4 5, फिर इसके नीचे से निकाल के बांध लेंगे, चेन को ऐसे क्रोशे पर रख के फिर ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर नेक्स्ट में। तो ऐसे ही 5 5 चेन करेंगे और ऐसा पफ वाला फ्लावर बनाएंगे, कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना के तैयार कर लिया। डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसे बनाने में हमारा 65 ग्राम से ऊपर उलन लगा हुआ है, यानी 65 ग्राम से ऊपर उलन लगा हुआ है। तो डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।